झारखंड चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के हाथ से एक और राज्य फिसल गया, जिसे लेकर एमपी में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई। आइए दिखाते हैं आपको मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री निरोत्तम मिश्रा की जुबानी जंग। पड़ोसी के बेटा पैदा हो और हम मिठाई बांटे, लगभग कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। दूसरे के लल्ला को पल्ला में झुला रही है। ये अमित मोदी की जोड़ी गरीबों की कमर तोड़ रही है। पहले प्याज, फिर आलू, फिर तेल, फिर डीजल, पेट्रोल, अब रेलवे का किराया, ये भी बढ़ने जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये राज्यों में घट रहे हैं फिर भी दाम बढ़ा रहे हैं। पिछले एक साल में 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें ख़त्म हो गई है। वो पार्टी जो कभी महाराष्ट्र में सत्ता में रहा करती थी, आज चौथे नंबर की पार्टी है, लेकिन मिठाई बांट रही है, अचंबा है। उसके बावजूद भी इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है। केवल लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने का जो सिलसिला इनने शुरू किया, वो लगातार चल रहा है। वो पार्टी कभी जो झारखंड में सत्ता में रहा करती थी, आज तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी मिठाई बट रही है, अचंबा है। वोट परसेंट, अगर हमारी नीतियां खराब थी तो जितने इन सबके वोट आए उतने अकेले भाजपा के वोट आए। पहले 370, फिर अयोध्या में राम मंदिर को मुद्दा बनाया इन्होंने, फिर NRC को बनाया। और मैं समझता हूँ कि झारखंड चुनाव ने सब चीज़ों के जवाब दे दिए हैं। और निश्चित तौर पर भावनात्मक मुद्दों से पेट नहीं भरता। युवाओं के रोजगार की बात हो नहीं रही, महंगाई की बात नहीं हो रही है। और 11 सितंबर 1893, विवेकानंद जी की ये लोग बहुत बात करते हैं, उनको अपना आइकॉन बताती है बीजेपी, शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन कहा था उनने। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता या खूबी है या कमजोरी, कि जिसे वोट ज़्यादा मिले वो सरकार में नहीं है। सीटों का गणित है जिसके कारण से ये सरकार में है। प्रतीक्षा करें। उनका जो भाषण था वो मैं सोचता हूँ CA और NRC इसके बारे में अपनी बात करता है। ये कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। ये विवेकानंद जी का कथन है। दूसरा उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों को धार्मिक हटने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। निश्चित रूप से आपकी बात सच है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी नीतियां गलत हैं। अगर नीतियां गलत होती तो सरकार में वोट हमको ज़्यादा नहीं मिलता। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है, न जाने कितनी सभ्यताएँ तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। ये उस ज़माने में, जबकि ये सब चीज़ें अंग्रेजों का राज थे पूरे 3/4 दुनिया में, उस समय 1893 मैं समझता हूँ कि 150 साल पहले लगभग जो बातें कही गई थी, उससे भी कोई सबक लेने को इस देश में ये तैयार नहीं है। दूसरा,